गुरुवार को लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर में 122 करोड़ की 177 विकास परियोजना का शिलान्यास कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कला संस्कृति आध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर में विकास की हर आस पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस नए गोरखपुर को आकार दे रही है उसमें हर गली विकास की रोशनी से रोशन होगी। एम्स जैसे अत्याधुनिक सुविधायुक्त चिकित्सा संस्थान के बाद अब इस साल चिड़ियाघर की सौगात मिलेगी, जबकि अगले साल की शुरुआत में खाद कारखाने की बहुप्रतीक्षित आस पूरी होगी। शिलान्यास की गई परियोजनाएं जनपद के सदर, ग्रामीण और सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में अच्छी सड़कों, व्यवस्थित नालियों के निर्माण से जुड़ी थी। जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय जनता की वर्चुअल मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि याद कीजिए आज से 20 से 25 साल पहले गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी। अराजकता और बदहाली यहाँ की पहचान बन गई थी, लेकिन आज जन सहयोग से जन आकांक्षाओं के अनुरूप नए गोरखपुर का निर्माण हो रहा है। खाद कारखाने का पुनर्संचलन यहां के लोगों की बहुप्रतीक्षित आकांक्षा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास कर जन आकांक्षाओं को बल दिया था। अब अगले वर्ष इसका शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि बायोफ्यूल प्लांट, वाटर स्पोर्ट पार्क, आयुष विश्वविद्यालय, वेलनेस सेंटर, वेटनरी कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, महिला पीएससी की एक वाहिनी की स्थापना नए गोरखपुर को समृद्ध करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के आंतरिक क्षेत्र में बदहाल सड़कें और दुर्व्यवस्थित नालियां लोगों के मन की टीस थी। इसे मिटाने के लिए ही इन सड़क और नाली निर्माण की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने मंडलायुक्त गोरखपुर को निर्देश दिया कि हर एक परियोजना के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए और सभी कार्य मानक के अनुसार समय से पूरे होने चाहिए। रामगढ़ ताल को बनाएंगे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर भौगोलिक रूप से बौद्ध सर्किट के केंद्र में है। कुशीनगर, कपिलवस्तु और लुम्बिनी जाने वाले बौद्ध पर्यटन गोरखपुर से होकर ही जाते हैं व गोरखपुर में रुके इसके लिए रामगढ़ ताल को विश्व स्तरीय आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं है, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विकास से न केवल रोजी रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं बल्कि संबंधित शहर व प्रदेश के बारे में लोगों का नजरिया भी बदलता है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज यूपी के बारे में देश और दुनिया का नजरिया बदला है। बिजली के तार झूलते हुए ना मिले। सीएम योगी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहर में झूलते लटकते बिजली के तार शहर की सुंदरता को खराब करते ही हैं। आम नागरिकों को भी बड़ी असुविधा होती है। इन्हें भूमिगत करने की प्रक्रिया तेज की जाए, इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर के लोगों से मेरी खास अपील है कि इस अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत कूड़े निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, एंटी लार्वा तथा चूने इत्यादि का छिड़काव हो, इससे डेंगू व अन्य बीमारियों को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। जनप्रतिनिधियों ने कहा नए गोरखपुर के शिल्पकार हैं मुख्यमंत्री। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी नए गोरखपुर के शिल्पकार हैं। उनके नेतृत्व में आज घर के द्वार तक विकास आ पहुंचा है। गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी के आत्मिक संबंधों का उल्लेख करते हुए महापौर ने कहा कि 3.5 वर्ष में गोरखपुर का जो कुछ मिला है वह पिछले 70 वर्ष में कल्पनातीत था। आज यहां विकास के नए मानक गढ़े जा रहे हैं। सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं गोरखपुर के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनका नेतृत्व हम सभी का सौभाग्य है। विधायक ग्रामीण विपिन सिंह ने गोरखपुर में एम्स, खाद कारखाना, रामगढ़ ताल परियोजना, चिड़ियाघर जैसी नई पहचान बनाने वाली विकास परक परियोजनाओं का हवाला देते हुए क्षेत्रीय जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित किया। सहजनवा क्षेत्र से विधायक शीतल पांडे ने कहा कि राजनीतिक उपेक्षा के कारण विकास की दौड़ में मीलों पीछे छूट गया गोरखपुर, अब बड़े महानगरों की होड़ ले रहा है। यह क्षेत्र आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गरिमा प्राप्त कर रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों से बदलती तस्वीर की झलक पेश करती एक लघु फिल्म भी देखी। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम रच रहा है। विकास के यूपी मॉडल की महत्ता पूरे देश में महसूस कर रहा है। अंत में आभार ज्ञापन मंजलायुक्त जयंत नार्लिकर ने किया। कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति हो तो शुरू करें। एकदम शुरू करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, साथियों, आज एक विकास का नया एक आयाम जुड़ रहा है
विकास की बयार जो चली है वो अब आज गोरखपुर में द्वार द्वार घर घर पहुंच रही है। आज के कार्यक्रम में हमारे कई महानुभाव मान्यवर उपस्थित हैं, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक गोरखपुर शहर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, माननीय विधायक गोरख ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री शीतल पांडे जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, इंजीनियर पी के मल जी, पुष्पंत जन जैन व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राम भुवाल कुशवाहा जी, श्री रण रंजन सिंह जी, मान्यवर आपके इन महानुभावों के अतिरिक्त लगभग 54 जगहों से आम जनता गोरखपुर की सहजनवा की आपसे आज अभी इस समय जुड़ी हुई है। और आपका जो ये एक आपका विकास का एक कार्यक्रम है जिसको आप ले जा रहे हैं, ये इसका आज शिलान्यास और लोकार्पण विभिन्न लगभग 177 प्रोजेक्ट का तो जिसकी लागत लगभग 122 करोड़ रुपए है का आज ये पूरे सभी कार्यक्रमों का कार्यक्रम हो रहा है। मनोहर आपकी अनुमति हो तो पहले 2 मिनट एक विकास की एक फिल्म आपके आपको अवलोकन करा लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश फ्रेंडली नीतियां, पारदर्शी व्यवस्था, रोजगार के अवसर, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आय दोगुना करने की नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में विकास का मॉडल बन रहा है। संस्कृति और संस्कार की धरती गोरखपुर, पर्यटन, चिकित्सा, आईटी और कृषि, हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रहा है। उद्योग और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन मोड में संचालित रोग नियंत्रण अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से चांदी का जापानी बुखार सहित अन्य बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। स्मार्ट सिटी गोरखपुर में शिक्षण संस्थान, चिकित्सालय, मुखियों की तरफ कटाव निरोधक कार्य, घाटों का निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और आरसीसी नालों का निर्माण, उप परिगामी से सड़कों का चौड़ीकरण, हर घर नल योजना और स्मार्ट सिटी के कार्यों से गोरखपुर विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। गोरखपुर महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर 2 शब्द कहें। श्री सीताराम जायसवाल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए और बोलिए। माननीय जायसवाल जी, अपना माइक गोरखपुर नगरी में विकास के द्वार कार्यक्रम में
मैं गोरखपुर के जनता की तरफ से आज एक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, पहली बार गोरखपुर में विकास सबके द्वार की स्थिति दिखाई दे रही है। यह सब माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण हो पाया है। फर्टिलाइजर, एम्स, चिड़ियाघर, रामदास का सुंदरीकरण, गोरखपुर के जोड़ने वाले सभी मार्गों का चौड़ीकरण का काम नए गोरखपुर की तस्वीर प्रस्तुत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर का एयरपोर्ट देश के सभी महानगरों से जुड़ा चुका है। आज जिन लोगों को यह विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वही विरोध करते हैं महाराज, और विकास में भी आगेबाजी करते रहते हैं। हमें गोरखपुर वासी विकास की ढेर सारी योजनाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है। गोरखपुर की जनता के माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना काल में आपने जो प्रवासियों की सेवा की है, एक गोरखपुर में उदाहरण है। मैंने अपने आंखों से देखा है, सैकड़ों बसे प्रवासियों को, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, घर तक पहुंचाने के लिए, खाने के लिए, उनकी दवा के लिए जो आपने बहुत उनका किया है, उनके गोरखपुर को आप पर गर्व है, नाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने सड़कों पर जिस मांगों के एक सप्ताह की मांग के लिए सड़कों पर लड़ाई करते थे, सड़कों पर बैठते थे, सालों बीत जाते थे, कोई भी आदेश नहीं होता था, लेकिन आप गोरखपुर की नब्ज को जानते हैं, गले गले में आपका आदमी है। हम लोग इतना मांगे, आप सब कुछ दे रहे हैं मंत्री जी। मैं पूरा इस सारे विकास योजनाओं का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जो भी जी को देता हूँ, जो गोरखपुर पर इतने बड़े महान विकास किए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप गोरखपुर की जनता ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता पूरा भारी बहुमत से अगले चुनाव में फिर आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे और गोरखपुर का नाम रोता होगा महाराज जी। इस सबके साथ महाराज जी, हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पूरी ख्याति है, पूरे भारत में मोदी जी योगी जी का नाम ही जनता ले रही है, और हम लोग गोरखपुर वासियों को सीधा चौड़ा होता है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे घर का मुख्यमंत्री, हमारे गांव का मुख्यमंत्री, हमारे शहर का मुख्यमंत्री इतना कुछ दिया है जो कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं संज्ञा लेकर कार्य करते हैं। एक बार के जनप्रतिनिधियों को आपने अपने हाथों से देखा होगा कि पिछले समय में बस बढ़ने पर लगा करके गरीब जनता दिल्ली ले जाती थी, आपने छोटी सी आवाज हमारे जनप्रतिनिधियों ने रख के आपके साथ मीटिंग में आपने तुरंत पैसा संचय कर दिया और आज लोग दान भरने जा रहे हैं। कितने लोगों की जान की सुरक्षा होगी इसका अंदाजा हम लोग जानते हैं। कितने लोग जो बिजली के गलत कनेक्शन की वजह से, तार भटकने की वजह से घायल होते थे, मृत होते थे, उन पर ग्राफ बना है। साथ ही साथ 200 करोड़ रुपया गोरखपुर के ये बाईपास रोड के लिए आपने दिया है, एक गोरखपुर का सीधा चौड़ा होता है। साथ ही साथ आपने अनेक होता है अभी पाइपलाइन दे रहा है जिसका आपको उद्घाटन करना है। रात्रि घाट आप जो बना रहे हैं वो गोरखपुर में नहीं, भारत के इतिहास में एक अनोखी चीज बनती है, वो पर्यटन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द वो योजना पूरी हो जाए और आप उसका शिलान्यास करेंगे। हम सबको इस बड़ी योजना पर बहुत ही गर्व का अनुभव होगा और आने वाले समय में आपकी सोच के अनुसार गोरखपुर स्मार्ट सिटी बनने के आधार पर है। हमारा नगर निगम, हमारे नगर निगम के
सभी अधिकारी, हमारे जिला प्रशासन, हमारे पुलिस के अधिकारी मिलजुल करके हम शहर को और भी बेहतर आपके नेतृत्व में बढ़ाएंगे और आपके सम्मान को कभी भी नीचे हम लोग झुकने नहीं देंगे। महाराज जी, आपने देखा होगा कि आपके दिशा निर्देशन में नगर निगम गोरखपुर को आज बहुत ही सफाई के मामले में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचा है और आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर से बेहतर शहर को बनाकर आपको एक तोहफा हम आपको समर्पित करें। गोरखपुर का नाम हो, आपका देश दुनिया में सम्मान करे, यही हम लोगों की महाराज जी बहुत ही उम्मीद है और आपकी कृपा गोरखपुर वासियों को तो रहती है, उत्तर प्रदेश के वासियों को रहती है, विशेष कृपा हम लोग बने ही बनी रहे तो गोरखपुर एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर अग्रसर हो जाएगा और कुछ भी हम लोगों की कमी नहीं रह जाएगी। जनता आपको मैं पूरा करता हूँ, जनता पूरा मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ाई से तैयार है और हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हिंदू युवा मायने के सब करके सब मिल करके पूरा आपको इस कुर्सी पर बैठाएंगे। आपके 3 साल के कार्यकाल में 50 साल के कार्यकाल सीताराम जी, समय का भी ध्यान रखिए थोड़ा, ऐसा मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी हैं तो अगले विधायक माननीय विधायक ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी अपना माइक अनम्यूट कर लें। आज जिन विकास पर नौ का एक साथ शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए गोरखपुर की सामान्य जनता की तरफ से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर खाली सर पूज्य महाराज को बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। गोरखपुर से गोरखपुर में जो विकास कार्य हो रहे हैं इसमें कुछ महाराज जी ने गोरखपुर को फर्टिलाइजर दिया है, गोरखपुर में एम्स का कार्य हो रहा है बड़ी धीमी गति से, गोरखपुर में रामगढ़ का परियोजना इतना सुंदर बन गया है कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से, और यही हमारे राजघाट और रामघाट का कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से करीब 75 करोड़ में से उसका निर्माण हो रहा है। नौसर में बस स्टेशन का निर्माण हो चुका है, हमारे हरैया में कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से करीब 58 करोड़ की देरी 58 करोड़ की देरी का भी लोकार्पण कुछ महाराज जी द्वारा हो चुका है, और गोरखपुर को चिड़िया घर जैसी सौगात कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से मिला। हम सभी गोरखपुर वासी पूज्य महाराज जी को विपिन सिंह जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। माननीय विधायक साजनवा गोरखपुर श्री शीतल पांडे जी, शीतल पांडे जी ये अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए जी। विधायक जी शीतल पांडे जी, जी आज वो गोरखपुर तथा सहरसा के विकास की योजनाओं का एक साथ शिलान्यास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। कुछ लोगों को विधान सच्चा नहीं लगता और इनके प्रांतियों माफियाओं के चक्र में अक्सर अनावश्यक लोग करते हैं जिसके कारण गोरखपुर खराब हुई थी। अरे मैं गोरखपुर के विकास की यहाँ आ गया, मत आपका खाना पूरा पूरा होगा है, यहाँ सभी की तरफ तैयार होगा है, काम करता हूँ तो नहीं काम करना है, गोरखपुर के एयरपोर्ट की नायक का देवर के साथ एयरपोर्ट सभी महानगरों में प्राप्त करता है। शहर सजावट के विकास की सभी परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी है,
लिए नागरिक को कैसे जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद माननीय विधायक जी। माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ला जी अनम्यूट कर लें अपना माइक अनम्यूट कर लें। कांग्रेसों का जो तिरंगा चेहरा है तो उसके लिए आपको बहुत साधुवाद। आपकी सत जगह पर अगर इन लोगों ने लाचन लगाया तो दुनिया के सामने आज ही कांग्रेसों का चेहरा काला हो गया। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी आपको। अब मुझे महाराज जी ऐसे नहीं है देखा मुख्यमंत्री जी दोनों मदद क्या की और मदद क्या की और वही खातून आज पूरा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल और गोरखपुर का इतना विकास नहीं हुआ। महाराज जी आपको कुछ ना चाहिए हम पहले दिन से सबको चिल्लाया कहीं ना कि महाराज जी के कुछ ना चाहिए उनके लाचन लगेगा और बर्बाद हो जाएगा उनके छुए के कोशिश में हुआ भस्म हो जाएगा। आज कांग्रेस भस्म हो गई हाथ रस कांड से पूरी दुनिया में उन लोगों का घिनौना चेहरा बाहर आया है इन्होंने दंगे की साजिश की है। महाराज जी हम लोग चलाएंगे उत्तर प्रदेश को। अरे यहाँ मुझे हमारे बैठे हैं मुझे महाराज जी सभी जगह हो रही है ना आगे चले गए।
विकास पुरुष यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के लोकप्रिय और जुझारू महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, सभी मान्य विधायकगण, डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, अश्विनी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पीके मल जी, रामभुवाल कुशवाहा जी, रणजय सिंह जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, आशीष गुप्ता जी, सभी गोरखपुर के वार्डों के पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, विभिन्न वार्डों में उपस्थित सभी गोरखपुर के वरिष्ठ नागरिकगण, एक साथ गोरखपुर महानगर और सहजनवा को 175 परियोजनाओं 22,67,000 की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों को, गोरखपुर के प्रबुद्ध नागरिकों को और आम नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारा अपना विकास है और वर्षों से गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं के अनुरूप घर घर और द्वार द्वार तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का अभियान का एक क्रम है। मुख्यमंत्री नगरी अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत 60 कार्य, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सहजनवा की 12 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 93 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सहजनवा के 9 कार्य और अवस्थापना मत के अंतर्गत 1 कार्य, कुल मिलाकर के 175 परियोजनाओं की शिलान्यास का एक कार्यक्रम गोरखपुर के हर मोहल्ले हर गली तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का एक अभियान है। मैं गोरखपुर की जनता को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, गोरखपुर के नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। याद करिए, आज से 20-22 वर्ष पहले गोरखपुर के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं क्या थी, लेकिन आज न केवल गोरखपुर के बारे में बल्कि प्रदेश के बारे में भी वो धारणाएं बदली हैं। प्रदेश में अधिकाधिक निवेश हो रहा है, उसका लाभ गोरखपुर और पूर्वांचल को भी मिल रहा है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद विकास का जो शुभारंभ 2016 में गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने के शुभारंभ के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अगले वर्ष हम लोग गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का शुभारंभ करेंगे। वहां पर न केवल किसानों को सस्ते में खाद मिलेगी बल्कि
पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। एम्स अब गोरखपुर के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली, मुंबई या लखनऊ नहीं बल्कि गोरखपुर में ही उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। इस समय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निर्माण वहां हो गया है। साथ ही साथ एम्स में विगत वर्ष ही हम लोगों ने MBBS में प्रवेश प्रारंभ करने के साथ अगले वर्ष तक हम लोग इंडोर की सुविधा भी गोरखपुर एम्स में दे देंगे। यह एक बेहतरीन सुविधा पूर्वांचल वासियों को गोरखपुर के माध्यम से प्राप्त हो रही है। गोरखपुर न केवल विकास के चौड़ी और अच्छी सड़कों की सुदृढ़ीकरण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज से महाराजगंज होते हुए नेपाल जोड़ने वाली सड़क, देवरिया से गोरखपुर में मोहद्दीपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कोड़िया पीपीगंज होते हुए नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग, इन सब के चौड़ीकरण के कार्य को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, वहीं रामगढ़ ताल गोरखपुर में एक विश्वस्तरीय पर्यटन की सुविधा को विकसित करने के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसके किनारे पर गोरखपुर का एक चिड़ियाघर भी विकसित हो रहा है। हमारा प्रयास है इस वर्ष के अंत तक हम चिड़ियाघर का शुभारंभ भी कर सकें और उसमें हम लोगों ने हर प्रकार के देश और दुनिया के उन सभी प्रकार के जीव जंतुओं को वहां पे लाने की कार्रवाई हो रही है, जो न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि छात्र छात्राओं के लिए भी वहां पर उनके ज्ञानवर्धन का भी एक कार्य उसके माध्यम से होगा। आप जाइए राजघाट में, जहां पहले बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, कितनी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, आज आपको बेहतरीन पर्यटन केंद्र के रूप में वह क्षेत्र विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन स्थिति में एक तस्वीर बदली है और मुझे लगता है आज की ये परियोजनाएं गोरखपुर के विकास की जो अंतिम एक छोर बचा हुआ था, जिसको लेकर के अक्सर लोगों के मन में थी कि गली मोहल्लों की सड़कें नहीं बन पा रही हैं, उन सड़कों को बनाने के क्रम में आज हम एक साथ इतनी ढेर सारी सड़कों को, 175 सड़कों को, जो महानगर के सभी वार्डों के साथ ही हमारा प्रयास है, बहुत सारी सड़कों को हम पहले दे चुके हैं, इन सड़कों को देने के साथ ही सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए और विकास के माध्यम से ही हम लोग एक व्यापक परिवर्तन आम जनमानस के मन में दे सकते हैं। ये न केवल हमारे लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है बल्कि हम सब के बारे में आम जनमानस की धारणा को, देश और दुनिया की धारणा को भी बदलने का कार्य करता है। और ये कार्य गोरखपुर की जनता ने, गोरखपुर के सामाजिक व्यापारिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी समेत सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बखूबी इस कार्य को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे चलाया है। इसलिए विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। जो लोग छोटे छोटे कार्यों में अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बना करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं, उनकी नकारात्मक सोच को एक सिरे से नकारने की आवश्यकता है, क्योंकि नकारात्मक सोच गोरखपुर के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा है। और इस नकारात्मक सोच ने न केवल गोरखपुर के विकास को अवरुद्ध किया है बल्कि गोरखपुर को बदनाम भी किया है। और इसी बदनामी के कारण गोरखपुर के बारे में जनता के मन में एक बहुत गलत धारणा बनती थी, लेकिन आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि न केवल गोरखपुर अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित स्थल भी है और निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य भी। इस गंतव्य के नाते आज दुनिया के हर एक निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, गोरखपुर में निवेश करने का इच्छुक है और प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने के लिए वह पूरी तरह उतावला दिखाई देता है। मैं आज के इस अवसर पर जब गोरखपुर को इतनी ढेर सारी परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर की जनमानस की भावनाओं के अनुरूप देने का कार्य हो रहा है, तब मैं आप सबका मैं आह्वान करूंगा
कि हमें विकास के बारे में एक सकारात्मक रुख अपनाना पड़ेगा, और सकारात्मक रुख के लिए मैंने वहां के प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी इस बारे में कहा है कि विकास समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखने हुए हर हाल में हो। ये जो 175 परियोजनाएं एक साथ शिलान्यास हो रही हैं गोरखपुर महानगर की भी और सहजनवा की भी, मंडलायुक्त तो गोरखपुर से मैं कहूंगा कि हर एक योजना के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती करना और उनके मानक की गुणवत्ता को और समयबद्धता को सुनिश्चित करने की कार्रवाई हो, जिससे आगामी 2-3-4 महीने के अंदर ही ये सभी परियोजनाएं पूर्ण होकर के जहां गोरखपुर की जनता को व्यापक राहत देने का कार्य करेंगी, वहीं साथ ही साथ हर एक कार्य के लिए अगर सड़क बनेगी तो उसके लिए जल निकासी के लिए नाली भी बनेगी। ऐसा नहीं कि अधूरा कार्य हम छोड़ देंगे कि पहले हम सड़क बनाते थे वह भी आधो अधूरी बनाते थे। दूसरा, इस बात को मेरे संज्ञान में आया है कुछ सड़कों के बारे में, पूर्व में की गई कुछ सड़कों के बारे में बात भी संज्ञान में आई है कि सड़क 400 मीटर बनी है लेकिन उसका भुगतान कुछ लोगों ने 700 मीटर तक करवाया है। ये कौन से ऐसे कार्य हैं, उन सड़कों की जानकारी सूची बना करके और उनसे वसूली की कार्रवाई भी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे ऐसे तत्वों को बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है जो शासन के धन पर डकैती डालने का कार्य करते हैं और जनता के सामने फिर अपना भोला भाला चेहरा बना करके जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य भी करते हैं। उस पर बहुत सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटने की कार्रवाई भी हमें करनी होगी, और इसी के लिए मैं चाहूंगा कि हम इन चीजों को एक बार फिर से वहां पे समीक्षा प्रारंभ कर लें। हर एक सड़क में जल निकासी सुनिश्चित करें और समयबद्ध ढंग से इन कार्यों को मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हर हाल में इन कार्यों को एक समयबद्ध ढंग से हमें जहां आगे बढ़ाना होगा, वहीं विकास की उन सभी संभावनाओं को, क्योंकि अभी आने वाले समय में आज गोरखपुर में एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख महानगरों से वायु सेवा से गोरखपुर का एयरपोर्ट जुड़ चुका है। कोविड-19 से हम सब जूझ रहे हैं लेकिन सफलतापूर्वक फील्ड की हमारी टीम ने, गोरखपुर की जनता ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के बहुत बेहतरीन कार्य वहां पर करने का कार्य किया है। लेकिन हमें अभी सावधानी बरतते हुए यह भी देखना होगा कि आने वाले समय में पर्यटन की जो ढेर सारी संभावनाएं बन रही हैं, गोरखपुर बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु है। कुशीनगर जाने वाले पर्यटक हों या फिर लुम्बनी जाने वाले, गोरखपुर होते हुए उनको आना जाना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से गोरखपुर में ढेर सारे होटल के व्यवसाय वहां पे प्रारंभ होंगे। रामगढ़ ताल के चारों ओर विकास की जो संभावनाएं बन रही हैं, गोरखपुर को वाराणसी से जोड़ने वाले, गोरखपुर को कुशीनगर से जोड़ने वाला, गोरखपुर को लखनऊ या गोरखपुर को नेपाल से जोड़ने वाला जो मार्ग है, जिस तरीके से इनके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और जिस तत्परता के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक वे भी गोरखपुर के साथ जुड़ करके औद्योगिक विकास की एक नई कहानी कहने की तैयारी कर रहा है, वही स्थिति गोरखपुर को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज गोरखपुर की दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, प्रयागराज के लिए, लखनऊ के लिए, यानी इतनी सुविधाएं गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ चुकी हैं और हम लोग गोरखपुर में एयरपोर्ट में व्यापक कंजक्शन को देखते हुए हम लोगों का प्रयास है कि कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कार्रवाई अगले महीने से हम शुरू करने जा रहे हैं। यानी ये पर्यटन की संभावनाएं गोरखपुर के विकास के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। उसके अनुरूप रामगढ़ ताल का विकास, वाटर स्पोर्ट्स की कार्रवाई वहां पर युद्ध स्तर पर चल रही है और इसको हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर लें। गोरखपुर में एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्य को भी हम समयबद्ध ढंग से आगे कर लें। गोरखपुर में प्रदेश का बायोफ्यूल का एक यूनिट लगने जा रहा है, हम समयबद्ध ढंग से इसको आगे बढ़ा लें। पिपराइज की चीनी मिल बेहतरीन तरीके से अपनी पूरी क्षमता के साथ चल करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करने के साथ ही वहां के नौजवानों की नौकरी और किसानों के व्यापक रोजगार और उनकी आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रही है। ऐसे और भी गोरखपुर के लिए एक आयुष विश्वविद्यालय भी हम लोगों ने स्वीकृत किया है, जिसका बहुत शीघ्र हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में वेलनेस सेंटर की, पूर्वांचल में वेलनेस सेंटर की व्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगा। गोरखपुर में वेटनरी कॉलेज की प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की और पीएससी की महिला वाहिनी की स्थापना की कार्रवाई भी गोरखपुर में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और भी ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं
जिन योजनाओं के माध्यम से गोरखपुर की ओवरऑल तस्वीर बदल करके हम लोग देश और दुनिया के सामने एक विकास परक और रचनात्मक सोच की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं पिछले दिनों गोरखपुर गया था और उस समय महापौर, मान्य सांसद, मान्य विधायकों ने मेरे सामने इस बारे में कहा था कि बहुत सारे जो बाहरी मोहल्ले हैं जहां पर लटकते हुए तार हैं, इन लटकते हुए तारों से जूझने के लिए कुछ कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं। उस समय मैंने प्रशासन से इसका प्रस्ताव मांगा था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर महानगर में उन सभी मोहल्लों में लटकते हुए तारों से बचने के लिए हम लोगों ने धनराशि भी वहां पर उपलब्ध करा दी है। और मैं चाहूंगा कि अगले बार के कार्यक्रम के लिए मैंने महानगर की अपनी टीम से कहा है, डॉक्टर धर्मेंद्र जी सिंह जी से और पूरी टीम जो महानगर की है, राजेश गुप्ता जी से, इन सबसे मैंने कहा कि भाई अगले बार के कार्यक्रम को उन्हीं मोहल्लों के साथ जोड़ करके बिजली की बेहतरीन व्यवस्था वह हम वहां पर देंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें गोरखपुर महानगर के अंदर झूलते हुए तारों से भी जनता को छुटकारा दिला करके इन्हें अंडरग्राउंड केबलिंग में बदलने की एक बेहतरीन कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाना होगा। आज गोरखपुर वासी खुश हैं कि गोरखपुर में उन्हें एक अच्छा सांसद मिला है। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को हमारे सांसद रवि किशन जी फिल्म में कार्य करने का ऑफर भी दे रहे हैं और मैं रवि किशन जी से चाहूंगा कि रवि किशन जी सीताराम जायसवाल जी पे जरूर एक फिल्म बनाइए, क्योंकि सीताराम जी इस फिल्म में काम करने के इच्छुक भी हैं और अगर उनके साथ मिलकर के आप काम कर लेंगे तो उनके साथ एक पात्र के रूप में शीतल पांडे जी भी आपको मिल जाएंगे और एक बेहतरीन फिल्म वहां पे बनेगी। पुष्पदन जैन जी भी आज इस कार्यक्रम में हैं। महानगर के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, महादेव झारखंडी से श्री अजीत निषाद जी हैं, सेमरा से नीरज जायसवाल जी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से विनय सिंह, अश्विनी सिंह, मनोज सिंह हैं, मानबेला से अमृतलाल भारती हैं, महादेव झारखंडी से कैप्टन ओम प्रकाश यादव जी हैं, चरगावा से संतराज शर्मा जी हैं, राप्ती नगर से ब्रजेश सिंह छोटू जी हैं, जंगल वेली माधव से सत सुकृत हैं, बसारतपुर से अजयमणि त्रिपाठी हैं, राजेश तिवारी जी हैं, राजेंद्र नगर पश्चिमी से धर्मदेव चौहान जी हैं, हुमायूंपुर से राधेश्याम रावत जी हैं, चंद्रप्रिय विहार से ऋषिमोहन वर्मा जी हैं, शिवपुर साहबगंज से आनंद अग्रहरी जी हैं, झरना टोला से रमेश प्रताप गुप्त जी हैं, गोपलापुर से अरविंद निषाद जी हैं, लच्छीपुर से वीर सिंह सोनकर और दीपक चौहान जी हैं, जंगल तुलसीपुर पश्चिम से अनिल मौर्य जी, जंगल तुलसीपुर पूर्वी से राकेश निषाद जी, राकेश गिरी जी, रणंजय सिंह जुगनू जी, अष्टभुजा श्रीवास्तव जी, बेतिहाता से विष्णुकांत जी हैं, हरिप्रकाश मिश्रा जी हैं, जटेपुर से ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, दिहारीबाग से प्रवीण सिंह जी हैं, घोसीपुरवा से ममतालाल यादव जी हैं, तुर्कमानपुर से अनुराग मजवार जी हैं, नरसिंहपुर से अजय जायसवाल जी, जंगल सालिग्राम से अनिल सिंह जी, लोहिया नगर से राजेंद्र तिवारी जी, महिवा से रामभुआल कुशवाहा जी, कृष्णा नगर से इंद्रमणि उपाध्याय जी, रसूलपुर से प्रशांत गौड़ जी, बसंतपुर से राम नारायण जी, धर्मशाला से छट्टेलाल गुप्ता जी, कल्याणपुर से अप्रित श्रीवास्तव जी, पुरदिलपुर से मनु जायसवाल जी, राम जानकी नगर से अशोक मिश्रा जी, इलाहाबाद से संदीप चौधरी जी, दाऊदपुर से कमलेश आजाद जी, रायगंज से अमरनाथ गुप्ता जी, विजय कुमार पाठक जी, सूरजकुंड धाम से रवि सोनकर जी, जाफराबाजार से राजा रमन कक्कू जी, विकास नगर से अजय ओझा जी, इस्लामपुर से लालू गुप्ता जी, माया बाजार से रणविजय शाही जी, छोटे काजीपुर से पवन विश्वकर्मा जी, भेड़ियागढ़ से अनिल शर्मा जी, अलदादपुर से चंदन शर्मा जी, मोहद्दीपुर से शिवेंद्र गौड़ जी, तिवाड़ीपुर से श्रवण पटेल जी, आर्यनगर से जितेंद्र अग्रवाल जीतू जी, मुक्तिपुर से रितेश जायसवाल जी, शेषपुर से अवधेश अग्रवी और पंकज गोयल जी, सिविल लाइन से अजय राय जी, नकहा जंगल से उमेश श्रीवास्तव जी और हमारे सभी मान्य पार्षदगण और अन्य गोरखपुर के सभी महानुभाव इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं आप सबको फिर से बधाई देता हूं विकास में रुचि लेने के लिए। मुझे प्रसन्नता है सभी पार्षदगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। गोरखपुर का विकास हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी भाव से सब ऊपर उठ करके हम विकास के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े। मैं आपको आश्वस्त करता हूं विकास में गोरखपुर पिछड़ने नहीं पाएगा, लेकिन आप सब लोग भी स्थानीय स्तर पर व्यापक अभियान के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं और मैं चाहूंगा कि 10 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में हमने स्वच्छता का एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लिया है, पूरे प्रदेश में चलेगा और गोरखपुर में भी सभी मोहल्लों में स्वच्छता का एक विशेष कार्यक्रम चलना चाहिए। कहीं कोई कूड़ा नहीं होगा, कहीं गंदगी नहीं होगी, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी,
यह एक कार्यक्रम हम गोरखपुर महानगर के लिए स्पेशल रूप से सैजनवा के लिए भी विशेष रूप से हम लोग चलाने का कार्य करेंगे। मैं गोरखपुर महानगर वासियों को सैजनवा के भी सभी कार्यकर्ताओं को वहां के भी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी समेत सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास गोरखपुर में एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ाएगा। आप सबको मेरी मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। माया, और आपने जो आज ये परियोजनाएं शिलान्यास की हैं वो समय से पूरा हो, पारदर्शिता रहे, गुणवत्ता रहे, ये कमिटमेंट देने के लिए आयुक्त गोरखपुर मौजूद हैं और वो धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। आयुक्त गोरखपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद गोरखपुर जी, माननीय विधायक सैजनवा ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र, महापौर गोरखपुर नगर निगम, अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव सूचना, अपर मुख्य सचिव नियोजन एवं समस्त सामाजिक संगठनों विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 122 करोड़ से अधिक की इन योजनाओं को गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र और सैजनवा नगर पंचायत क्षेत्र में स्वीकृति देने हेतु यहाँ के जनमानस की ओर से धन्यवाद देता हूँ और एश्योर करता हूँ कि सर ये सारे कार्य आपके निर्देशानुसार समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक ये कार्य होंगे। प्रत्येक कार्य के लिए हम एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और MMQ से सर हम इनकी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इनकी थर्ड पार्टी जांच भी कराएंगे। ये समस्त कार्य समयबद्ध तरीके से अगले 4 से 5 महीने में पूर्ण किए जाएं, इसको मैं पर्सनली हम सब मॉनिटर भी करेंगे। सर इसके साथ ही माननीय सांसद महोदय और हमारे विधायक त्रय को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनका हमें मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। माननीय महापौर जी प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक क्षण पर हमारे साथ खड़े रहते हैं और हम आशा करते हैं कि सर नगर निगम के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छता, इनसे संबंधित जो मसले हैं सर उनको भी हम अगले 6 से 12 महीने में ठीक करेंगे। इसके साथ ही सांसदों को सर मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ये वर्चुअल प्रोग्राम इतने बड़े व्यापक पैमाने पर कराया है। सर मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि 55 से 56 स्थानों पर सर करीब 100 से 150 लोग सर एकत्रित हैं और ये सारे लोग वर्चुअली सर आपसे जुड़े हुए हैं और आपको सुन पा रहे हैं और आपका आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। पुनश्चर मैं आपको एश्योर कराता हूँ कि आप जो सकारात्मक और मूल्यमुखी दृष्टिकोण है उसको लेते हुए सारी विकास योजनाएं जो सर यहाँ पर रूपायित हो रही हैं हम उनको समयबद्ध ढंग से और गुणवत्तापूर्वक करेंगे, ये हमारा सर संकल्प है। पुनः समस्त को धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।